नमस्कार, मैं हूं अन्नी अमृता और आप देख रहे हैं टीवीसी गपशप। तो आज का जो विषय है उसमें प्रवेश करने से पहले थोड़ा मैं उसकी भूमिका बांधती हूं ताकि आप ये समझ जाएंगे कि ये विषय क्या है। और चूंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है और लोगों को इसका सामना करना पड़ता है तो थोड़ी मैं भूमिका इसलिए बना रही हूँ। आप सोचते होंगे, अक्सर हम कहते हैं कि हम बिहारी सब पर भारी, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, काफ़ी गर्व भी महसूस होता है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है और वो पहलू ये है कि अक्सर हम ये भी सुनते हैं कि बिहारियों का अपमान किया जाता है, बिहारी कहकर गाली दी जाती है। और यहाँ बिहारी का मतलब सिर्फ बिहारी नहीं है, बिहारी का मतलब जो हिंदी पट्टी के क्षेत्र हैं, यूपी, बिहार और आसपास के जो राज्य हैं। तो कहीं भी आप जाइए बाहर, चाहे वो मजदूर हों या अन्य कामगार हों, उनके साथ इस तरह की मिसबिहेव की खबरें आती हैं, जो बदतमीजी होती है, दुर्व्यवहार होता है, चोट पहुँचाई जाती है भावनाओं को। तो इस तरह की चीज़ें क्यों होती है और इस तरह की चीज़ जब 2007 में एक बार हुई थी तब क्या हुआ था, इन तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट सुधीर कुमार पप्पू जी आए हैं टीवीसी में, उनका हम स्वागत करते हैं और उनसे इस विषय पर डिटेल्स में बात करते हैं और आपको बहुत कुछ बताएंगे कि कैसे बिहारी का जब अपमान हुआ था तो कैसे उस नेता को सबक मिला कि आगे वह ऐसा नहीं करेगा, कैसे बिहारी स्वाभिमान की रक्षा हुई और कैसे इस पूरे परिदृश्य को हम बदल सकते हैं। पप्पू जी आपका स्वागत है। सुधीर कुमार पप्पू जी हैं, वरीय अधिवक्ता हैं और आप हमेशा से मुखर रहे हैं तमाम बिंदुओं पर, और आप पूरे देश में लोकप्रिय तब हो गए थे जब आपने राज ठाकरे को सबक सिखाया था उनके खिलाफ केस करके। तो वो पूरा मामला क्या था और क्या कहा था राज ठाकरे ने जिससे बिहारी स्वाभिमान को चोट पहुँची थी, क्या उन्होंने कहा था और आपने फिर कौन सा स्टेप लिया जिससे ये मामला पूरे देश में चर्चित हो गया? ये मामला बिहारियों से इस प्रकार जुड़ा था कि 9 मार्च को 2007 को उसने मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में अपने नव निर्माण सेना का स्थापना दिवस मना रहे थे। तो उस समय वो अपने भाषण में कहे थे कि महाराष्ट्र में अगर बिहारियों को रहना है तो मराठियों का सम्मान करो, वरना कान पकड़ के लपड़ थप्पड़ मार के खदेड़े जाओगे। इस बात का टीवी प्रसारण हुआ, काफ़ी समाचार न्यूज़ में आया। तो मैं अपने कार्यालय में काम कर रहा था तो मैं न्यूज़ देखा तो मेरे को बहुत आहत हुई कि एक बिहारी को इस प्रकार उन्होंने प्रतिष्ठा को हनन करने का काम किया। तो मैंने तुरंत निर्णय लिया और मैं एक एप्लीकेशन बना के कानून के तहत उनके खिलाफ एक सुनारी थाना जमशेदपुर में एक शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी के द्वारा बोला गया कि यहाँ से कार्रवाई नहीं होगा ऐसा ऐसा। तो मैंने उस एप्लीकेशन को लेके माननीय CGM न्यायालय जमशेदपुर में एक मुकदमा दायर किया जहाँ मेरी गवाही हुई और मेरे विटनेस का गवाही हुई और जितने समाचार अखबार में निकला था उसको मैं कतरन के साथ प्रूफ किया न्यायालय में। न्यायालय ने पूरी संज्ञान को लेते हुए 153 और 504 में संज्ञान लेकर उन्होंने नोटिस जारी किया। नोटिस राज ठाकरे के, राज ठाकरे के विरुद्ध नोटिस जारी हुआ। राज ठाकरे को नोटिस मिलने के बाद उन्होंने कॉपी एप्लीकेशन लिया और यहां से झारखंड हाईकोर्ट में मामला 482 CRPC के क्वेशिंग फाइल किया, जहां हमारे एडवोकेट सीनियर एडवोकेट राजेश कुमार एडवोकेट ने मेरी तरफ से निःशुल्क मुकदमा लड़ा और वहाँ पर उनको विजय नहीं मिल पाया। उस आदेश को लेकर उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट भी गई, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने वहाँ पर 2 उनके खिलाफ लड़ा और दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने फिर यहाँ से जमशेदपुर न्यायालय से उनके खिलाफ बेलेबुल, नॉन बेलेबुल, कुड़की वारंट सब निकला, कुड़की वारंट निकला। बॉम्बे IG कमिश्नर उनको गिरफ्तार करने का आदेश हो गया। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दिया कि हम झारखंड जाने के लिए तैयार हैं न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक झारखंड सरकार से एक रिपोर्ट मांगी कि अगर राज ठाकरे झारखंड जाते हैं तो वहाँ की विधि व्यवस्था क्या स्थिति होगी। हाँ, मुझे याद है उस वक्त हम लोग बड़े चैनल से याद होगा काफी और सारे मीडिया के लोग इसको कवर कर रहे थे और इंतजार था कि राज ठाकरे आने वाले हैं और उनको आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन पप्पू जी आप तो आगे इसके बारे में बताएंगे ही कि क्या होगा, लेकिन एक चीज हम बोलना चाहेंगे, जो आपने कहा कि आप सोनारी थाना में आपने शिकायत की लेकिन कहीं ना कहीं थाना से रिस्पॉन्स नहीं मिला तभी आपको कोर्ट में जाना पड़ा, तो क्या जो बड़े बड़े नेता इस तरह से किसी कास्ट या इसको ध्यान में रख करके अपमान करते हैं तो एक आम आदमी डरता है कि मैं कैसे इसके खिलाफ जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव था क्योंकि राज ठाकरे एक बड़ा नाम था तो इसलिए पुलिस इसमें बच रही थी, फिर आपको कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। नहीं, ऐसा है कि हमारे देश का कानून में सबको बराबर अधिकार मिला है, अब लोग उस कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते हैं, हमको लगता है अंदर से उसको डर लगता है या कुछ, लेकिन इतना प्रावधान है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आप FIR कर दिया, आप देखते होंगे 0 FIR भी होता है। आपके साथ कोई घटना घट जाए तो मान ली बॉम्बे में घट गया तो आप वहां उसके डर से नहीं कर सकते, तो आप जमशेदपुर में रहते हैं तो जमशेदपुर में 0 FIR कर सकते। तो आपने उसी के तहत हमने देखा कि पुलिस नहीं कार्रवाई कर रही है तो मैं फिर CGM के न्यायालय में, प्रावधान है कानून के तहत, मैंने वहां FIR कर दिया। आप स्वयं एक बिहारी हैं, छपरा के रहने वाला हूं,
आपने जो आपकी भावना को चोट पहुंची उस आधार पर आपने अपना अपने अधिकार का जो प्रयोग किया, लेकिन पुलिस ने रिस्पांस नहीं लिया, पुलिस ने रिस्पांस नहीं लिया, फिर कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने लिया, कोर्ट ने अच्छे से संज्ञान लिया और कार्रवाई की। तो जब हम यहाँ इंतजार कर रहे थे एक मीडिया पर्सन के रूप में, यहाँ सारी तैयारियां थी कि राज ठाकरे आएंगे, मुझे याद है अभी भी वो मंजर, तमाम जो मीडिया के लोग, नेशनल मीडिया से कॉल्स आते थे, जो मैं माध्यम भी बनती थी आपसे कोऑर्डिनेट करने का, कि राज ठाकरे आने वाले हैं आत्मसमर्पण करके और यहाँ पर वो पेश होंगे कोर्ट में और राज ठाकरे हाजिर हो, ऐसी ऐसी अखबारों की कतरनी भी आप रखे हुए जो आज मैं उसको लेकर भी बैठी हूँ। तो फिर उसके बाद फिर जो कहाँ से जो है कॉन्फिडेंस लूज हुआ, जब एक राजनीतिक सपोर्ट जो होता है जो चाहिए था उस वक्त, और क्या राजनीति ने उस वक्त अपने किस अधिकार का दुरुपयोग किया उसके बारे में लोगों को बताइए कि इसके जैसे क्या सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ कि उसको झारखंड में जाने का है, तो उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब रिपोर्ट मांगा तो हमको अच्छे से याद है पूरे झारखंड प्रशासन, उस समय यहाँ पर हमारे एसपी नवीन सिंह हुआ करते थे, उन्होंने भी पूरे थाना को अलर्ट कर दिया, कोर्ट में भी मेरे को भी इन्फॉर्मेशन मिला कि राज ठाकरे आने वाले हैं, अगर आपको कुछ सुरक्षा चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो हमने बोला नहीं, हमको कोई सुरक्षा का अधिकार नहीं चाहिए, मैं सुरक्षित हूँ, आप लोग का ऐसे सब। लेकिन अचानक एक सरकार ने एक आदेश भेज दिया कि नहीं, विधि व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है, हम नहीं देख पाएंगे राज ठाकरे अगर झारखंड आते हैं तो। उसी आदेशानुसार मेरे सुप्रीम कोर्ट फिर नोटिस किया, सुप्रीम कोर्ट में मैं गया, सुप्रीम कोर्ट में हमारे एडवोकेट वहाँ थे, वहाँ उन्होंने पूछा गया कि आपके मुकदमा झारखंड जाना था लेकिन ऐसा सा आदेश आ गया है, तो ये मुकदमा आपके नहीं, आप बोलिए किस राज्य में आप जाना चाहिए, वहाँ मुकदमा लड़ेंगे। तो मैं तैयार था, मैं बोला कि मुकदमा किसी राज्य में जाए, मैं राज ठाकरे के खिलाफ लड़ूंगा और अंतिम तक लड़ूंगा। और उन्होंने निर्णय लिया और दिल्ली ही तीसहरी कोर्ट में मेरा मुकदमा भेजा गया, वहाँ पर हमारे एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट के अनूप सिन्हा जी मुकदमा देखे और हमें न्याय दिलाया पूरे अच्छे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर, ये सुरक्षा खतरे में है ऐसा कह के राज ठाकरे को तत्कालीन जो झारखंड सरकार है उसने प्रोटेक्ट किया। बट लेकिन कानून में अभियुक्त को सुरक्षा कहाँ है, मिलना चाहिए तो मेरे को सुरक्षा, हम शिकायत करते हैं मेरे के साथ घटना उठ सकता है, राज ठाकरे तो एक्यूज था उसको सुरक्षा दे दिया गया, यही दुरुपयोग किया झारखण्ड सरकार ने उस समय, तत्कालीन सरकार ने मेरे साथ गलत काम किया और कानून का एकदम उल्लंघन सरासर किया। अगर उस वक्त सरकार सपोर्ट करती तो उनको हाजिर होना पड़ता, पूरी तरीका से आना था, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें पूरा प्रावधान है कि कोई अगर किसी भी कास्ट या रिलीजन को लेकर अपशब्द का प्रयोग करता है तो उसके लिए वो पूरी प्रक्रिया है कि आपको जो है कटघरे में तो आना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद अब जो ताजा जानकारी बताइए, क्योंकि 2007 से लेकर के अब आज 2023 है और 2023 में जब फैसला आता है, क्या आता है फैसला, उसको हम बताना चाहेंगे लोगों को, यहाँ के लोगों को जानना चाहिए कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरा मामला लंबित था जब खुला हियरिंग के लिए, तो हमारे एडवोकेट ने खड़ा वो, तो सुप्रीम दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि आप बताइए आप इस मुकदमा, तो उनके एडवोकेट ने राज ठाकरे के माध्यम से बात किया और बोला सर हम इस मुकदमा में अपोलॉजी माफी मांगना चाहते हैं, तो जस्टिस साहब ने कहा कि आप लिखित में दीजिए, हमारे एडवोकेट ने बोला सर जब तक लिखित नहीं देंगे तब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अगर ये माफी मांगते हैं तो हम विड्रॉ कर लेंगे, हमारा कोई शिकायत भी नहीं आएगा। तो राज ठाकरे के माध्यम से उनके एडवोकेट ने, माइक अनुपम लाल दास उनके एडवोकेट थे, उन्होंने एक लिखित नामा माफी मांगा जो न्यायालय एक्सेप्ट किया और हमने नो ऑब्जेक्शन दिया, हमारे एडवोकेट ने नो ऑब्जेक्शन दिया कि ठीक है माफी नामा मांगते हैं तो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और हमने मुकदमा को फिर हमारे पक्ष में आया आदेश। बकायदा राज ठाकरे ने माफी मांगी, ये बकायदा राज ठाकरे न्यायालय का आदेश है, जजमेंट कॉपी आया 2 मार्च में हुआ, 23 में मेरा, तो यानी 2007 में जो आपने बिहारी स्वाभिमान को लेकर मुकदमा दायर किया तो 2023 में ये आया और अंततः हम कह सकते हैं कि राज ठाकरे को माफी मांगी, बिहारियों की जीत हुई, बिल्कुल बिहारियों की जीत। और सबसे बड़ी बात है कि कितना दबाव था, 17 साल में मेरे को कई दबाव मिला था मुकदमा उठाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने नहीं झुका क्योंकि बिहारियों का आत्मसम्मान की बात है और जो संस्कृति और अपने भाषा का अगर अच्छा नहीं करेगा तो फिर बेकार है उसको। और आप चूंकि पूरे देश में चर्चित हो गए उस प्रकरण के बाद, तो खतरे तो हर जगह थे कि ऐसा भी नहीं कि बिहार छोड़कर कहीं और जाएं तो आपको लोग नहीं जान रहे हैं, या आप महाराष्ट्र जाएं तो वहाँ आप चर्चित नाम एक हो गए। मेरे कुछ क्लाइंट्स भी बॉम्बे से भी है, वो लोग भी वहाँ काफी बोलते थे कि, और अभी भी जजमेंट हुआ तो वो लोग भी देख के बोले कि बहुत बड़ी जीत हुई, लोग बहुत खुश है आपके इस कार्य से। तो ये प्रकरण एक उदाहरण है कि बिहारी स्वाभिमान की रक्षा हुई, अंततः राज ठाकरे को माफी मांगनी पड़ी और आपने भी केस को फिर सेटलमेंट किया कि चलो एक उद्देश्य सफल रहा, तो माफी नामा मांगा तब मैंने सेटल किया। हाँ बिल्कुल, उसके बाद माफी मांगने के बाद भी मतलब इस बात को फिर एक सही जगह पर इसको खत्म किया, यानी राज ठाकरे को भी समझ में आया और इस मुकदमे के दौरान धीरे धीरे उनके भी बयान कम होने लगे, जैसा कि वो पहले बहुत ज्यादा खुलकर भाषण उनका लेके नहीं आता। तो ये एक जो आम आदमी अपने अधिकार का अगर प्रयोग करे, तो कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, फोड़ सकता है अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो। तो यहाँ पर लेकिन एक कमी तो रही न सर, की 10 साल मतलब लग गए, जैसे दिल्ली में जब आया मामला तो ये
उनको भी टाइम लगा ये सोचने में, उन्होंने सोचा कि ये इनके इन प्रकारण कैसे भी करके प्रभावित किया जाए कि ये मामला सुलटा लिया जाए, कम से कम परेशान हो जाए, दिल्ली नहीं आने सके या किसी करके। प्लानिंग पूरा लोग किया था, लेकिन मैं तो मानने वाला नहीं था। मैं मुकदमा लड़ा, मैं बोल दिया था कि मैं हार जाऊंगा लेकिन मुकदमा वापस नहीं लूंगा, और मेरी दृढ़ शक्ति और मेरे एडवोकेट का जो दृढ़ शक्ति था उसके चलते मुझे न्याय मिला, और मैंने बिहारियों को न्याय दिलाने का काम किया। बिहारियों को इससे न्याय मिला, एक मैसेज गया कि देश में एक कानून है, देर से सही लेकिन न्याय की जीत हुई। सत्य की जीत होती है, परेशान जरूर है लेकिन सत्य की जीत हमेशा हुई है, बिहारी स्वाभिमान की जीत हुई। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर एक सवाल तो उठता है पप्पू जी, कि आखिर ये जो बिहारियों के साथ इस तरह का व्यवहार होता है क्यों होता है, जबकि तमाम जो बड़े पद हैं या जितने सेक्टर्स होते हैं हमारे देश में, सभी जगह सभी पदों पर सभी राज्य में बिहारी हैं, मीडिया में भी बिहार के लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो ये जो ट्रेंड पिछले कुछ सालों से विकसित हुआ है कि आपको कानून का सहारा लेना पड़ रहा है, तो आखिर एक तो है कि बिहारियों का अपमान क्यों होता है, और अगर अपमान होता है तो एक आम आदमी किस प्रकार से किन जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको किस प्रकार से ये प्रदान करती है कि हम अपने आप को पेश कर सकते हैं कि हाँ हम विरोध करते हैं इस घटना का, और उसमें जाके वो विरोध कर सकता है। तो संविधान क्या कहता है और हो क्या रहा है प्रैक्टिकल में, हम सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आप रूट कॉज में हम अब जाते हैं, तो क्यों बिहारियों का अपमान हो रहा है, क्या इसमें हमें भी अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है या इसके पीछे कोई राजनीति है, क्या लगता है आपको? नहीं, हम ये पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि आपको याद होगा हमारे बिहार के भिखारी ठाकुर जो है, शेक्सपियर कहे जाते थे भोजपुरी के, कितना विश्व में उनका नाम रहा, और हमारे बिहार से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी हुए हमारे देश के। तो और जितने भी देख लीजिए उच्च श्रेणी का जो सर्विस है, IAS IPS चाहे UPSC में जो भी, चाहे जुडिशियल सर्व में बिहार या UPO लोगों का कितना योगदान है, सभी तरह से हम लोग विद्यार्थी लोग आ गए। और सबसे बड़ा कि जो बोले आप संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16, 19 में सारा प्रावधान है। 14 में है कि सभी अदालतों के लोगों की नज़र में समान हम लोग हैं। 15 है कि जन्मतिथि जेंडर वेंडर भेदभाव नहीं करना है। 16 में है कि आपको गवर्नमेंट सर्विस में भी कोई भेदभाव नहीं करना। और आर्टिकल 19 में कि अपना लैंग्वेज व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन आम जनता पता नहीं क्यों नहीं आगे आती है, किसी भावना को कुछ ठेस होता तो आगे आके कानून में सारा प्रावधान है, मतलब लिंग जाति धर्म आपका जो डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ प्लेस जो है आपका जन्म स्थान, इसके आधार पर संविधान में ये बिल्कुल प्रावधान है। प्रावधान और ये डोमिसाइल का भी एक प्रथा खत्म करनी चाहिए। हमारे बच्चे बिहार में जाके बेंगलोर में जाके चाहे दूसरे स्टेट में जाके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहां पर हमारा बच्चों का रेवेन्यू कलेक्शन ले रहा है लेकिन वह भाषा का प्रॉब्लम हो जाता है। तो पूरे देश के नेताओं से मेरा अपील आपके माध्यम से कि सबसे बड़ा इस पर सभी को एक मंच में आना चाहिए, और किसी क्षेत्र में भी या किसी देश को भी भाषा से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि ये डोमिसाइल के लोग की जो राजनीति होती है ये भी एक रूट कॉज है कि ये बिहारियों का अपमान या उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान ये देश होता है? किसी राज्य को प्रगति का रोकने का प्रावधान है डोमिसाइल। कई अगर अच्छे बच्चे पढ़ के आएंगे हमारे राज्य में तो हमारा राज्य का विकसित होगा ना। अब उसको डोमिसाइल बनाने के लिए बेचारे परेशान रहते हैं, सरकार का सिस्टम इतना गलत है और वो डोमिसाइल के चक्कर में बच्चा लौटता नहीं है, पढ़ता नहीं है, जा नहीं पाता वहाँ नौकरी करने के लिए। ये हम डोमिसाइल तो आपके माध्यम से जाएंगे, डोमिसाइल की प्रथा को खत्म होनी चाहिए। ये जैसे मान लीजिए कि बिहार का आदमी तमिलनाडु गया तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि आपको हिंदी नहीं बोलना, तमिल सीखिए, ये इस तरह के क्लैशेज आते हैं, विवाद सामने आते हैं। लेकिन तमिलनाडु के लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, उनको ऐसा कोई फोर्स नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ भी जनता को एक रहता है कि देखो ना ये हिंदी नहीं बोल रहा है। तो ये इसको कैसे संविधान इस खाई को पाट सकता है, वहां पर क्या प्रावधान है, मतलब होना क्या चाहिए? ये तो संविधान में तो खुला है आर्टिकल 19 16 ये सब 14 15 में तो प्रावधान, लेकिन हमारा राज्य सरकार चाहे भारत सरकार को ये देखना चाहिए कि कोई भेदभाव नहीं, जो कोई भाषा भाषी में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को। इस पर सभी नेता को चाहे अफसर लोग को प्रशासनिक दृष्टिकोण को इस पर ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए लोगों को सबको। तो ये तो है पप्पू जी कि संविधान में प्रावधान है कि बराबरी होना चाहिए, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तो ये राज्य और भाषा को लेकर कई तरह के विवाद सामने आते हैं। यहाँ हम बिहारियों के स्वाभिमान पे बात कर रहे हैं तो उसका मतलब पूरी हिंदी पट्टी है, जो यूपी और वो बिहारी एक सांकेतिक शब्द है। तो जैसे अगर हम अपने गिरिबा में झांके, जो बिहार के लोग हैं या बिहार से जिनका संबंध है, जो झारखंड में भी जो रहते हैं वो पहले तो बिहारी ही थे ना, तो ये जो बिहार झारखंड यूपी इस तमाम जो इस राज्य के लोग हैं, अपने गिरेबा में अगर झांके तो हमारी हिंदी पट्टी में ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बिहारी एक गाली बन गया है, क्या इसके पीछे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिहारी या भोजपुरी का जो
आज गिरा है भाषा, यहाँ के जो बिहार के जो कलाकार लोग हैं, सिंगर है जो भोजपुरी गायक है, लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, अपने स्टार्टिंग करेंगे भजन, दुर्गा जी का काली जी का भजन गाएंगे, और बाद में जब सिंगर प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो देखिए फुगड़ गीत अश्लील गाते गाएंगे, और बिहार का नाम बदनाम वही लोग किए हैं। अब इतना अश्लील लोग, एक तो गाना भी चला है ढोड़ी में क्या गाना, देखिए कितनी बिहार की बदनामी हो रही है, लेकिन वो लोग इसलिए सिंगर लोग ही द्वारा, और हमारे एक मनीष कश्यप जो हुए अभी तमिलनाडु में, हमारा एक गलत प्रदर्शन करके बिहारी लोग को मार रहे, जो हमारे क्षेत्र के लोग ही बिहार को बदनाम करने लगे हैं, और कई राज्यों में खून खराबा हो रहा है, कई कानून की बिगड़ी व्यवस्था है, लेकिन बिहार के चित्र को इस प्रकार प्रदर्शन करे खुद बिहार के लोग कि बिहार का देखिए ये स्थिति है लोग, और NRI यहाँ से पढ़ के बच्चे लोग NRI जो बने वो लोग भी बदनाम करते हैं, हम लोग को बिहार में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये ऐसा ऐसा है, लेकिन क्यों आके अगर काम करेगा तो बिहार के लोगों का ही प्रगति होगा। तो इस तरह के जो गाने बनते हैं, फूहड़ फिल्में बनती हैं, उससे एक मैसेज जाता है कि बिहारी ऐसा ही होता है। हाँ। तो इससे जो आपने जो कहा शुरू में कि भिखारी ठाकुर, तो लोग बिहार से जो एक तरफ तो इतने बड़े बड़े IPS, तमाम बैंकिंग, रेलवे, सभी सेक्टरों में बिहारियों का दबदबा, मीडिया में भी बिहारियों का दबदबा, और दूसरी तरफ इस तरह की फिल्में जब आती हैं भोजपुरी के नाम पर, एक तो उसमें सही भोजपुरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग, और दूसरी बात है कि फुहड़ता रहती है। यहाँ कई कलाकार आते हैं, हम लोग भी बात करते हैं इस विषय पर, तो वो बाजार का उदाहरण देते हैं, तो एक तो ये सवाल उठता है ना प्रभु जी कि क्यों बाजार भोजपुरी में ही ऐसा क्यों है कि उनको पैसा और प्रोड्यूसर मिल जा रहे हैं और इस तरह की फिल्में बन रही है, वो उसको एक एग्जांपल देते हैं कि नहीं हमारे पास क्योंकि हमको पैसा कमाना है फिल्में बेचकर, तो आखिर बॉलीवुड में दूसरी जो हिंदी में जो फिल्में बन रही हैं वो उतने दबाव में नहीं है, और भोजपुरी के नाम पर एक पैरेलल इंडस्ट्री बनाई गई और जिसमें कहा जाता है कि इससे पैसे आते हैं, तो ये कैसे रुकेगा, मतलब यहाँ पर बिहारियों को या UP के इन लोगों को किस तरह से आना होगा? हम लोग फिल्मी सेंसर बोर्ड है उसको रोक लगाया जाए, उस पर इसके लिए आयोग बनाया है जो उस पर कट ऑफ कर दिया जाए, ये सब पिक्चर नहीं चलेगी, चाहे गाना पर बैन किया जाए, या सेक्शन में कानून में सेक्शन है सेक्शन 294 में किसी अश्लील गाना या सब पिक्चर को करेगा उस पर बैन कर, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को या जिला प्रशासन को उस पर, वैसे प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाया जाए जो फुहड़ गीत अश्लील गाना सब बंद होगा, बाजार को देखकर किसी भाषा को गिरा दीजिएगा क्या आप? ये तो हो गई कि अपने गिरे बामे झांकने की बात, कि हम किस तरह की फिल्में, हमारे जो कम्युनिटी से जुड़े लोग हैं वो किस तरह की फिल्में बना रहे हैं, हमको बदनाम किया जा रहा है, बदनाम कर रहे हैं। मीडिया में भी जो है, आपको लगता है कि बिहार या यूपी की खबरें ज्यादा दिखाई जाती जो नेशनल चैनल्स या जो भी हैं, हम लोग खुलकर, हम लोग भी मीडिया का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी हम अपने गिरे बामे झांके, तो जो नेशनल न्यूज़ है वो ज़्यादातर होता है कि पटना, लखनऊ या ये सब जो हिंदी बिल्ट के जो शहर हैं उनकी खबरों को काफ़ी प्राथमिकता में रखते हैं, वहाँ पे अगर कोई मर्डर हो गया या वहाँ पे कोई ज़मीन विवाद में कुछ ऐसा वायरल हो गया वीडियो, आपको लगता है कि ये सब चीज़ें भी जिम्मेदार हैं कि खास कर बिहार यूपी को ज़्यादा फोकस करते हैं, घटनाएँ सब जगह होती हैं, आपको लगता है ऐसा कि ये सब चीज़ें भी जिम्मेदार हैं? मीडिया कर्मी को इस पर ध्यान देना चाहिए आप, और सबसे TRP के चक्कर में, TRP के चक्कर में बिहार का छोटी छोटी घटना को इस प्रकार बड़े रूप में लोग प्रदर्शन करेंगे कि बिहार का नाम बदनाम करते हैं, मतलब TRP एक माध्यम है जिसके थ्रू जो है बिहारी पैसा कमाना, हाँ, यानी कि बिहारी वर्ड में TRP है, बिहारी वर्ड में क्या, बिहारी अपने आप में TRP है, TRP है एक बिहारी सब पर भारी आइकन है, बिहारी तो आइकन एक है, लोग को बिहार के यूपी से सीखना चाहिए कि कितने अभी देखिए UPSC का रिजल्ट निकला, कई टॉपर लोग बिहार के ही रहे हैं, बिहार के लोग और यूपी के लोग तो सभी जगह हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो चाहे खेल कूद हो, अभी देखिए कितना ओलंपिक में भी झारखंड के बच्चे लोग लाए, बिहार के लोग लाए, वो भी सब लोग लाए। लेकिन फिर यहाँ पे फिर अपने गिरबा में झांकने की बात हम उठाएंगे पप्पू जी, जैसे मान लीजिए कि हम शिकायत करते हैं कि राज ठाकरे ने ऐसा कह दिया, हमने केस किया और जीत हुई, न्याय की जीत हुई, देर से सही, आप हार नहीं माने, उनको सबक मिला, उन्होंने माफी मांगी, जब भी कोई ऐसा करेगा तो एक आम आदमी अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और वो केस कर सकता है, ये तो एक अलग बात है, लेकिन जब बात आती है बिहार की तो अब हम राजनीति पे बात कर सकते हैं आपसे कि आपको लगता है कि ये जो बिहारी गाली है ये क्यों हो रही है, क्योंकि हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, ये जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, अब तो बंगाल से भी बहुत ज़्यादा लोग बाहर जा रहे हैं, आप कहीं भी जाइए साउथ में आपको बिहार, बंगाल, यूपी, झारखंड, यहाँ से लोग मिलेंगे आपको काम करते हुए, खासकर मजदूर वर्ग, तो एक कहीं ना कहीं तो एक कारण है ना कि आपके जैसे जमशेदपुर की बात कर लें तो यहाँ आ रहे हैं बिहार से काम करने, लेकिन तमिलनाडु से तो ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, कर्नाटका से तो नहीं आ रहे, एक समय में आंध्र प्रदेश से बहुत लोग यहाँ आए, तमिलनाडु से भी आए जब टाटा स्टील की स्थापना हुई, लेकिन अब तो कोई आ नहीं रहा है, यानी कि
वो राज्य जो साउथ के राज्य हैं कहीं ना कहीं वो विकास की तरफ अग्रसर हैं, उनके यहाँ नौकरियाँ ज़्यादा है, और आपके यहाँ जो है विकास के अवसर कम हैं, नौकरियाँ नहीं हैं, तो लोग बाहर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस राज्य के राजनेता और इस पूरी हिंदी पट्टी के जो नेता हैं कहीं ना कहीं अपने राज्य के विकास पर ध्यान नहीं केंद्रित किए, तभी तो ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल रहे ना कि अब बार बार आप जा रहे हैं कहीं बाहर। क्यों बिहार के ये लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? एक समय में लोग टाटा आते थे यहाँ से, अब लोग यहाँ से लोग जा रहे हैं बाहर। तो इसके पीछे जो राजनीति जिम्मेदार है कि नहीं, क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ उद्योग धंधों पर? अब पिछले कुछ सालों में आप आंकड़ा निकाल लीजिए, बिहार और झारखंड में क्या निवेश हो रहा है, अगर हम इस पर बात करें तो ये आपको लगता है कहीं कारण है? ये तो देखिए ऐसा है, रोजगार के लिए आज से ही लोग नहीं जा रहा। आप देखेंगे भिखारी ठाकुर के जो नाटक थी विदेशिया, उसमें रोजगार पर ही फोकस था। हाँ। उस समय भी बिहार के लोग रोजगार खोजने बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली वगैरह जाते थे। तो एक ट्रेंड था बिहार के लोगों की कमा के ही करना है, खाना है, बैठ के नहीं खाना है, कहीं भी क्षेत्र में जाकर काम करना। बिहार के लोग इतने मजबूत हैं, चाहे छोटे से आप देखिए छोटे छोटे काम के लिए भी बिहार के लोग निकल के काम करते थे। लेकिन अब स्थिति है कि जो हमारे नेता हैं राज्य के, विकास पर कोई फोकस नहीं रहता है, जबकि विकास का फोकस होना चाहिए। जो NRI है उनको, NRI को बुलाना चाहिए, इन्वेस्टर लोगों को इन्वेस्ट करके यहाँ पर अच्छे से कंपनी लगानी चाहिए, जो हमारे बच्चे लोग हैं जो बाहर ना जाए। लेकिन आज भी बिहार में ये शिक्षा की कमी है, जो कि बड़े बड़े उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग बेंगलोर, दिल्ली की ओर जा रहे हैं, और फिर इंडस्ट्री नहीं है, जिसके चलते बच्चे लोग रोजगार के लिए उधर जाना पड़ता है। और रोजगार जाने के मतलब वहाँ जाके दूसरी सरकार के यहाँ मजदूरी का काम कर रहे हैं। लेकिन वही तमिलनाडु या चेन्नई चले जाइए, देखिए लोग कितने विकास अपने क्षेत्र में किए हैं, यहाँ को लोग जाके उनके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। वही लोग भी अगर हमारे बिहार के लोग कर दें यहाँ पर, तो वो लोग बच्चे लोग लौट के यहाँ पर काम करेंगे। अभी देखें कोरोना काल में कैसे बिहार के मजदूर लोग को पैदल आना पड़ा वहां से, वापस लौट कर पैदल, खाली पैर, चप्पल नहीं है, इसको घसीट के कैसे कैसे लोग लौट के आए, क्या स्थिति सभी लोग ने देखा देश के लोगों ने। तो मेरा तो नेता लोग से अपील है कि अपने अपने राज्य में विकास का काम करें, इंडस्ट्रीज का डेवलप करें, हर लाइन में एग्रीकल्चर का है करे, लेकिन कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा है। और एक बात बार बार आती है कि इस बिहार और ये सब हिंदी पिट्टी में बाढ़ वगैरह बहुत आते हैं, तो हम तो ये देखते हैं कि जो हिंदी भाषा भाषी राज्य है वहाँ भी बहुत जगहों पे बाढ़ आ जाता है, गुजरात में बाढ़ आता है, लेकिन फिर वो कैसे उड़ीसा में देखिए कितना अच्छा कार्य हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण का के समाधान में उन राज्यों को अपने हकीकत को देखना होगा और कहीं ना कहीं विकास के पथ पर अग्रसर होना होगा, तभी जाकर ये ये समस्या, बिहार का नाम रोशन होगा। अब देख रहे ऐसा काम हो रहा कि पुल बह जा रहा है। हाँ, अब देखिए पुल बह जा रहा है, आंधी से पुल बह जा रहा है बिहार के लोगों, देखिए सामने आपको एग्जांपल है किस प्रकार नेता लोग अब काम कर। बिहार को हम आईना कह सकते हैं क्या? मतलब अगर मीडिया के लोग बिहार में मौजूद हैं, पुल बह गया, खूब हल्ला होगा, खूब हाय तबा मचाई जाएगी, तो एक तरह का आईना है। मतलब ऐसी चीजें अन्य जगहों भी हो रही होंगी, लेकिन यहाँ बिहार को ज्यादा लोग दिखाते हैं, ये अपने लोग ही मीडिया में जो लोग कुछ लोग हैं वो लोग अपने बिहार के, चाहे लोग जो बिहार से अच्छे जगह पे चले गए वही लोग बिहार को फिर बदनाम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हारा तो जीन बिहारी है तो बिहार को कम से कम बदनाम मत करो, बिहार के लोग अच्छे लोग हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है पप्पू जी, और अगर मान लीजिए कि बिहार के नेता और यहाँ से इसके विकास में जो अपनी भूमिका निभा सकते हैं वो लोग सिर्फ ब्लेम करेंगे दूसरों को और अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो ये क्लैशेस तो होते रहेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के जमाने में कोई मीडिया पर निर्भरता नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई भी वायरल कर सकता है कोई भी वीडियो। तो कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य भी तो दिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक तरफ प्रथम राष्ट्रपति हैं बिहार से आते हैं, एक तरफ UPSC में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ बिहार की आ रही हैं सामने, और दूसरी तरफ वीडियो फिर आपको पता है कि हमेशा जो बिहार के विभिन्न जिलों की वीडियो जारी होती है, नकल हो रहा है, तो खुले आम लोग खिड़की से वो दे रहे हैं नकल, तो ये इस तरह के वीडियो वृहद स्तर पे आते हैं। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है, इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था है, कहीं ना कहीं मिल रहा है रिपोर्टर को इस तरह के वीडियो, तभी तो वो दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार में ये चीज़ें हो रही हैं, तभी तो दिखाया जा रहा है, तो इसको तो ठीक करना होगा ना, क्योंकि ब्रांडिंग जो है बिहारी की दो तरह की हो रही है, एक तो बहुत ज़्यादा सभी पदों पर काफ़ी ज़्यादा हम बिहारी सब पर भारी, वो एक ब्रांडिंग है कि बिहारी हर जगह आपको मिलेगा ऊंचे पदों पर विभिन्न सेक्टरों में, और दूसरा जो एक पहलू आ रहा है कि जो मजदूर वर्ग है छोटे छोटे काम के लिए जो जा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, और वहाँ पे उनको थोड़ा अपमान का सामना करना पड़ता है कई जगहों पे, तो ये दो तरह का चित्र पेश हो रहा है। तो कैसे ये बदलेगा और कानून इसमें क्या काम कर सकता है ये परिदृश्य बदले? देखिए जो देश का हमारा कानून है इस पर कार्रवाई करने के लिए आखिर राज्य सरकार को ही कदम लेने, अगर कहीं पर शिक्षा के नाम पर नकल हो रही है तो परीक्षा के पहले कई
अनाउंसमेंट करती है सरकार की नकल नहीं होगा, कड़ाई से परीक्षा होगा, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी, सारा लोग होता है लेकिन प्रक्रिया दिखता नहीं है, सारा कागजी कानूनी कार्रवाई होती है। उस पर राज्य सरकार चाहे तो नकल पे रोक लगेगी, मजिस्ट्रेट के ऊपर पे कार्रवाई करने का भी अधिकार उनको है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं। तो राज्य सरकार की भूमिका है कि बिहार की इतनी अच्छी शिक्षा को आप देखते होंगे कि बिहार का ही था नालंदा विश्वविद्यालय है, कई विदेश के लोग भारत की खोज करने वाले भी हमारे नालंदा विश्वविद्यालय। आज बिहार के शिक्षा की व्यवस्था क्या स्थिति है, तो हमारे नेता कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति कमी हुई है, शिक्षा पर ध्यान दे नहीं रही है, और शिक्षा का बजट बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए, वो शिक्षा का बजट नहीं आज तक। और बच्चे लोग जो बाहर जा रहे हैं उसके लिए अच्छे कोचिंग संस्थान आप देख रहे होंगे, हमारे बिहार के सुपर 30 के आनंद को यूएसए से अवार्ड मिला, कई एजुकेशन अच्छा अच्छा है बिहार में है। तो हम तो चाहेंगे राज्य सरकार से, आपके माध्यम से, झारखंड सरकार से ही मेरा अपील है कि एक एजुकेशन हब बनाया जाए और हमारे बच्चे जो बाहर जा रहे हैं वो ना जाए, वो पढ़ेंगे यहाँ पर तो विकास भी करेंगे, अच्छा से काम करेंगे। इसलिए कानून में है ऐसा प्रावधान लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है, इच्छा शक्ति की कमी है राज्य सरकार को, प्रशासन को। और एक बात, जैसे आजकल रील्स का जमाना है, सब रील्स बनाते हैं, अब तो आम आदमी अपना रील्स बनाता है, ऐसा समय आ गया कि हर व्यक्ति अपने आप में स्टार है। तो इधर देखा जाता है कि रील्स में बिहार की ब्रांडिंग भी इस तरह से है कि ज़्यादातर लोग दिखाते हैं कि मजदूर हैं, ईटा ढो रहे हैं, कोई काम खराब नहीं होता है, कोई भी काम गलत नहीं, तो उसको देखने का नज़रिया है, लेकिन एक खास चीज़ को पेश करना है इसके माध्यम से, एक तरह की लाचारी या उसको या फिर उस कार्य को एक तरह से ऐसा दिखाना जैसे ये नीचा कार्य है, तो उस तरह के रील्स बनाए जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? तो बनाने वाला कौन है? हमारे के बीच के बिहार के ही लोग हैं ना, तो अपना भावना को किस प्रकार गलत प्रदर्शन कर रहा है? अगर मजदूर का कोई काम कर, कोई छोटा काम तो नहीं है ना, वो काम करके खा रहा, चोरी तो नहीं कर रहा ना। तो ये हमारे जो लोग है वही लोग वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया में डालने से इसका बिहार के चित्र को खराब करने का काम कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई ना, उस पर सेक्शन है उस पर। और ये जो साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे की, जैसे मान लीजिए कोई तमिल भाषी है, तेलुगु भाषी है, वो अगर हिंदी बोलता है तो उसमें तो वो टोन आता है उसके लैंग्वेज का, तमिल का भी एक साउंड आता है, तेलुगु का एक साउंड आता है, तो बिहार में जो भाषाएं हैं अलग अलग, भोजपुरी, मगही, उसका भी एक साउंड है, तो उस साउंड के साथ जब आप अपने आप को पेश करते हैं तो उसको इतने नीचे अर्थ में क्यों देखा जाता है? जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं और पता चलता है हमारे टोन से, जैसे हमें भी कई लोग कहते हैं अरे आप बिहार के, ऐसा लगता नहीं है क्यों, आप तो आपकी तो हिंदी से ऐसा लग नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है हर राज्य के लोग अपनी भाषा का जो प्रयोग करते हैं तो उसका एक साउंड आता है, तो बिहार का, बिहार की जो भाषाओं के साउंड है उससे इतना क्यों लोगों को खराब लगता है? इसके पीछे वही जो ब्रांडिंग नेगेटिव है वो है क्या? नेगेटिव ब्रांडिंग जो बोले ना अभी आप बता रहे फोटोग्राफ्स वगैरह, खुद बिहार के लोग जो मीडिया में दिखा देते इस प्रकार का, इससे हमारा इंप्रेशन खराब हो रहा है दूसरे राज्य में। अच्छे काम को लोग नहीं दिखा रहे, बिहार के कई अच्छे अच्छे काम है उसको नहीं दिखाया जाएगा, उसको दिखाया मारपीट हो रहा, खून खराब हो रहा, बिहार के लोग वहां पर ये अब छोटा छोटा बिहार के लोगों को बदनामी दिखाया, नकल वाला देखिए पूरे इंडिया नेशनल न्यूज बन गया कि नकल चोरी हो रहा है, तो दिखाने वाले हमारे मीडिया के लोग हैं, इसलिए सब प्रकार ब्रांडिंग को कम किया जाए तो अच्छा से काम होगा बिहार में। इसको बहुत अच्छा प्रयोग अगर कोई कर रहा है, आजकल खान सर का नाम आप सुनते हैं, काफी अच्छा वो, हालांकि कई लोग उनकी बुराई भी करते हैं लेकिन बच्चों को ये पसंद है, क्योंकि जब वो स्कूल से पढ़कर आते हैं, मैंने कई बच्चों से बात की, वो कहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आया सब्जेक्ट, फिर वो खान सर का यूट्यूब देखते हैं और वो बड़े ही अनोखे अंदाज में और खासकर बिहारी टोन का प्रयोग करके बिहारी स्टाइल में समझाते हैं और सारे बच्चे उसको देख के समझ रहे हैं उनके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने उनके व्यूज होते हैं यूट्यूब के, तो ये भी एक प्रकार की ब्रांडिंग हो रही है। तो आप उसको सही मानते हैं, मतलब अगर बिहार के लोग, क्योंकि अच्छा है खान सर का जो पढ़ाने का तरीका है आम बच्चों को समझने के लिए, बहुत अच्छे सिस्टम से समझा, आप देखते हो बिहार के हमारे पूरे विश्व फेमस मैथमेटिशियन वशिष्ठ नारायण सिंह हमारे बिहार सेवा करते थे, तो बिहार का तो शिक्षा के क्षेत्र में कई योगदान रहा, और खान सर, आनंद साहब, ये लोग सब हमारे बिहार का नाम रोशन कर रहे, अवार्ड मिल रहा हम लोगों, लेकिन राज्य सरकार को उसमें और आगे आके शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, विकास के लिए काम करना चाहिए, जिससे बिहार के लोगों का सम्मान बढ़े। आप तो अधिवक्ता हैं तो इतने साल से काम कर रहे हैं, कभी ऐसा कोई केस आता है आपकी जानकारी में है कि बाहर के राज्य से कोई यहाँ आया हो और यहाँ पर उसको कोई दिक्कत बिहार के लोगों ने की हो, जो भी बिहार, झारखंड, यूपी, हम सब देख लीजिए, बिहार और झारखंड में, अब जमशेदपुर में ले लीजिए ना, सभी भाषाओं का अपना अपना भवन है यहाँ, आंध्रा लोग का देखिए कई यहाँ पर मंदिर है, मराठियों का भवन कई बड़े मिला है,
लेकिन बिहार इसी जगह में रहकर वही लोग बिहारियों का अपमान करते हैं, जबकि बिहार और झारखंड में उन लोगों का सब स्थाप कई होटल है, उन लोगों का बिजनेस यहीं पर कर रहा है, और हमारे बिहार लोग के जब उधर जाते हैं तो बदनामी कर दे। आप छपरा के हैं, छपरा सिवान वहाँ पर एक बड़ी आबादी बंगालीज की भी है, हाँ है, हम लोग मिलते हैं देखते हैं, और वो बांग्ला भी बोलते हैं और बिहार की लैंग्वेज भी बोलते हैं, और कभी कोई क्लैश सुनने को नहीं मिला। तो आप मानते हैं कि एक खासियत है बिहार के लोगों की या हिंदी पिट्टी के लोगों की कि वो उतना रिएक्ट नहीं करते हैं अगर कोई बाहर से आता है, लेकिन यहाँ से लोग जाते हैं तो ज़्यादा रिएक्शन होता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए बिहार के लोगों तो बुद्ध की धरती है और गुरु गोविंद सिंह की धरती है, अतिथि भव जो है, कई बिहार में लोग आए हैं उनका स्वागत हमेशा और अभी भी करते हैं ये लोग। अब छपरा की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में जाके भागलपुर में देखिए बंगाली कॉलोनी है, और आपको ये भी याद होगा कि जो हमारी ग्रेजुएशन देश की सबसे पहली महिला भागलपुर की थी, महिला जो ग्रेजुएट हुई है पूरे इंडिया में वो भागलपुर से बिलोंग करती थी। तो बिहार के लोगों का कितना योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे सभी एरिया में, चाहे किसी क्षेत्र में चलिए, बिहार के लोगों का उसमें काफ़ी योगदान रहता है। तो अगर मान लीजिए कि बाहर किसी राज्य के साथ यहाँ पर मिसबिहेव होता है तो वो भी इस तरह का एक्शन एक ले सकता है, जैसे मान लीजिए संविधान में जाएगा, थाना में जाएगा, वहाँ वो केस कर सकता है, तो इस तरह का मामला आया तो नहीं अभी तक हम लोग ज्यादा कुछ ऐसा देखे? बिहार का झारखंड लोग दूसरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं काम कर, किसी प्रकार का हम लोग के द्वारा या बिहार या झारखंड के लोगों के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाता है और उनको मदद किया जाए। कई बड़े बड़े कंपनियां देखिए काम कर रही है, तो कहाँ कहीं शिकायत नहीं है लोगों को जाके, कभी एक FIR नहीं हुआ कि तमिलनाडु चाहे कोई आके कि बिहार के लोग हमको तंग किया, चाहे जमशेदपुर के लोग को किया, किसी जगह भी। लेकिन इस चीज़ को उतनी जगह नहीं मिली मीडिया में, कभी इस चीज़ को दर्शाया नहीं गया कि यहाँ पर आप आइए, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लोग डरते हैं, सोचते हैं बिहार जाना होगा, अरे बाप रे, सिवान जाना होगा, अरे बाप रे, वहाँ तो बहुत, ऐसा एक इम्प्रेशन बना हुआ। तो फिर हम अगर कंक्लूजन पर आए, मान लीजिए आज की बातचीत का, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये मजबूत कर सकते हैं कि जो जब हम बिहारी स्वाभिमान की बात करते हैं कि बाहर हमारा अपमान हो, तो हम बिहार को या यूपी को, जो हम हिंदी पट्टी के लोग हैं, कैसा यहाँ पर वातावरण बनाए कि यहाँ विकास जो है वो मजबूती के साथ बहे, विकास की बात। तो देखिए किसी राज्य को अच्छी प्रगति के लिए कानून व्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए। कानून व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो इन्वेस्टर आपके यहाँ काम करने आएंगे, क्योंकि उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई माफियाज लोग हैं, काम नहीं करने दे। आप देखेंगे आज ही एक पेपर में आया है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इकबाल साहब, उनका जमीन रांची में लोग कब्जा कर लिया, भू माफिया लोग, हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसको SSP को रांची को नोटिस किया गया है। तो कानून व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो बाहर से इन्वेस्टर आएंगे, शिक्षा पर कार्रवाई होनी चाहिए, एजुकेशन बहुत, और हेल्थ कानून। अभी कोरोना काल में देख लिए कई बिहार के लोगों को बिन इलाज के मर गए। तो बिहार में भी हेल्थ का बहुत गिरती व्यवस्था है, झारखंड में भी हेल्थ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये तीनों चीज पर अगर कानून, शिक्षा और हेल्थ पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारा बिहार सुधर सकता है, और सुधरा हुआ है, खाली नेताओं की कमी है थोड़ी करके जागरूक, कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है दूरदर्शिता की कमी और इच्छा शक्ति, और आप कह सकते हैं ईमानदारी की भी कमी, क्योंकि अब मान लीजिए मीडिया को कहते हैं कि आप ज्यादा दिखाते हैं, लेकिन जब हम निकलते हैं घर से तो हमें दिखता है तभी हम दिखाते हैं, और कहीं नहीं दिख रहा है ज्यादा तभी तो वहाँ लोग नहीं दिखा पा रहे। अगर मान लीजिए दक्षिण के राज्य आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए वहाँ पे कार्य हो रहा है और यहाँ पर वो कार्य नहीं किया जा रहा है। आपने जो लॉ की बात कही, कानून की, एजुकेशन की बात कही, तो यहाँ पर अगर ये तीनों मजबूत किया जाएगा तो इन्वेस्टर भी यहाँ आएंगे, यहाँ ज्यादा रोजगार होगा, तो एक ह्यूज अमाउंट में लोग नहीं जाएंगे कहीं बाहर, तो क्लैशेस भी कम हो गया। लेकिन एक बात पप्पू जी, हमारा संविधान क्या कहता है? जब हम फिर अलग अलग राज्यों की बात करेंगे, यहाँ के लोग वहाँ जाएं तो वहाँ दिक्कत, वहाँ के लोग यहाँ आए तो यहाँ दिक्कत, लेकिन संविधान क्या कहता है? और वास्तव में एक कानून के विशेषज्ञ होने के नाते हम किस चीज पर कंक्लूड करें कि होना क्या चाहिए यहाँ पर? आर्टिकल 14 क्या है? पूरे देश की जो अदालत है उसकी नजर में सब लोग समान बराबर हैं। ठीक है, 14 का ये डिफिनेशन है। अगर पूरे इंडियन सिटीजन लोग लॉ को मानते हैं तो कोर्ट के द्वारा उनको सब बराबर राइट मिला हुआ है। 15 है कि जन भेदभाव, जेंडर पे आपको कोई भेदभाव नहीं करना है। 16 है कि गवर्नमेंट सर्विस जहाँ है वहाँ पर भी कोई भेदभाव नहीं करना है। और 19 है आपका लैंग्वेज एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यूज अपना दे सकते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं करना। ये 14, 15, 16, 19 में एकदम क्लियर है। और लोगों से मेरा अपील भी है कि
अगर आप हिंदी भाषी हैं, भोजपुरी भाषी हैं, तो कहीं अगर आप क्षेत्र में दूसरे जगह भी आते हैं तो आप अपने लोगों से हिंदी और भोजपुरी में बात करें। अब वहां पर जाके लोग अंग्रेज मैन हो जाता है, इंग्लिश में बात करता है, और अंग्रेजी में बात करता है तो लोकल लोग वहां पर प्रॉब्लम डालता है। तो अगर आप ग्रुप में अपने हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप मजबूत बनिएगा, एक दूसरे से मिलकर रहिएगा, प्रॉब्लम भी आपका सॉर्ट आउट होगा। हमारा राज्य के बच्चे लोग का रेवेन्यू कलेक्शन लेगा लोग, लेकिन आप बोलेगा कि नहीं कन्नड़ में बात करो, ये प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को वहां जाके। तो भाषा सीखनी गलत नहीं है, लेकिन इसको लेके विवाद नहीं होना चाहिए। उसको प्रेशराइज नहीं कीजिए आप कि आप में इसमें। और मेरा सरकार से या राज्य सरकार से भी अपील है, केंद्र सरकार से भी, आप देखेंगे कि आप बिहार में आपको हिंदी में लिखे मिलेगा सब, जो स्टेशन का नाम है सब मिलेगा, लेकिन जहां आप साउथ में जाइए वहां देखेंगे हिंदी गायब है। अब स्टेशन का नाम भी कन्नड़ में लिखा हुआ है, वहाँ दिक्कत हो रहा भाषा भाषी का। लेकिन कम से कम स्टेशन में तो रहना ही चाहिए, क्योंकि वो सेंटर की सेंटर चीज। और जो आउट वाला लोग देखिए, वहाँ जो ड्राइवर है सब है, वो लोग हिंदी बात नहीं करता है लोग। और अगर आप हिंदी में बात करें तो थोड़ा मजेकिया लैंग्वेज में दिखता है, फेस वैल्यू भी लोग मजाक टाइप उड़ाता है, ये सब बैंड होना चाहिए। कहीं ना कहीं विकास के धरातल पर पीछे इसलिए भी मजाक है, इसलिए लोग जाना पड़ रहा है। विकास नहीं हुआ बिहार में, हम लोग का जो होना चाहिए इंडस्ट्री नहीं होना, सब एजुकेशन नहीं होकर बच्चे लोग जा रहे बाहर, उसका नतीजा कि बिहार का नाम बदनाम होता है। बिल्कुल। तो आज की जो ये बातचीत है उसका जो कंक्लूजन मैं समझती हूँ कि अपने अधिकार का तो प्रयोग करना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो यहाँ की जो राजनीति है वो थोड़ी अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाए, ईमानदारी बढ़ाए और बिहार को इस लेवल पर लेकर जाए कि कम से कम ये मजाक का पात्र नहीं बनना। तो ये सुधीर कुमार पप्पू जी से जो आज की बातचीत हुई उसको देखने के बाद उम्मीद है मुझे कि आप लोगों की, बहुत लोगों की आंखें खुली होंगी, क्योंकि इन्होंने बहुत डिटेल्स में ये बताया है कि हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है। संविधान कहता है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान, किसी भी प्रकार को लेकर के कोई विभेद नहीं है, सभी बराबर है, कोई भी देश में कहीं भी आ जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर दिक्कत होती है तो आप आराम से इसके खिलाफ केस कर सकते हैं, अगर आपकी भावनाएं आहत होती हैं उस पर शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जब बिहारी भावनाएं आहत होती हैं तो उसके जड़ में भी जाना होगा कि क्यों बिहारी नाम की ब्रांडिंग इतने बुरे तरीके से की जा रही है कि इस नाम से लोग डरते हैं और कहीं ना कहीं वो नाराज़ होकर अपमान भी कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादा संख्या में यहाँ से पलायन होना भी एक स्थानीय रिएक्शन का कारण बनता है। तो इसमें यहाँ के राजनीतिज्ञों को भी सोचना होगा, जो हिंदी पट्टी के राजनीतिज्ञ हैं, कि वो विकास के धरातल पर अपने अपने राज्यों को इतना आगे बढ़ाएँ कि जो सम्मान है वो बढ़े, क्योंकि ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप जब पिछड़े रहेंगे तो लोग आपको निचले दृष्टिकोण के साथ देखते हैं। दूसरी तरफ जो खासियत है बिहार, यूपी, इन सभी राज्यों की, जो बाहर के लोग से जो यहाँ आते हैं उनको उतना यहाँ रिएक्शन का सामना नहीं करना पड़ता है, लोग प्यार और सम्मान देते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसी कोई डिस्प्यूट की खबरें नहीं आती हैं। तो इस चीज़ की भी ब्रांडिंग की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पप्पू जी ने जो बताया, जो हम लोग बात की, वो ये है कि जो सिनेमा और ये जो माध्यम है मीडिया के माध्यम से हम जितनी सकारात्मक चीज़ों को फैलाएंगे तो उतनी ही ब्रांडिंग मजबूत होगी। और वैसे लोग जो भोजपुरी या अन्य जो भाषाओं में जो पुहड़ता परोसी जा रही है उसके खिलाफ मुखर है, उसको जनता भी सपोर्ट करे, और तभी आप अधिकार के साथ अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं, हमारी बिहारी अस्मिता को चोट पहुंचाई जा रही है तो हम इसका विरोध करेंगे। तब जब आप खुद सही होंगे तो राजनीति, जो यहाँ की जनता, ये दोनों मिलकर कार्य करें, बढ़िया से विकास करें, तो कहीं ना कहीं ये सीनेरियो जो है वो जरूर बदलेगा। और फिर भी कहीं बिहारी अस्मिता को चोट पहुंचती है तो सुधीर कुमार पप्पू जी का जो पूरी लड़ाई रही राज ठाकरे के खिलाफ, उसको याद करिएगा कि देर से सही लेकिन न्याय मिलता है और स्वाभिमान की जीत होती है। मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये बातचीत, ये जो गपशप है हमारे TVC का, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।